जांबूजू। इस वीडियो के पिछले पार्ट में मैं पहुंचा था यहाँ खानपुर जांबूजू देखने के लिए। ये नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा जू होने वाला है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो जांबूजू पार्ट टू में। ये है चैनल रेन ए और मैं हूँ रैना, अनिल रैना। पहले छोटा सा रिकैप पार्ट वन यानी पिछले वीडियो का। अंदर घुसते ही ये यहाँ का बड़ा सा पार्किंग एरिया है। टिकट काउंटर ये है और चार्जेस ऊपर लिखे हुए हैं। बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल आपको मिल जाएंगे 200 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से और साइकिल भी किराए पे मिल सकते हैं। ये सांबर हिरन उधर दूर बड़ी मुश्किल से ही दिखा है। लो जी, ये रहा क्लोजअप इस मोर का। इधर घूम रहा है ये तेंदुआ, खतरनाक लेपर्ड। लिखा हुआ है 588 मीटर डियर ट्रेल है ये। यहाँ पे ये देखिए वो दूर वहाँ पे है नीलगाय। स्कैन कर रहा हूँ पूरे इलाके को तो भी मुझे नहीं दिख रही है। ओ देखो जी, ये तो अचानक आ गई सामने, मेरे को डरा दिया इसने। ये एकदम से जंप करके यहाँ आ गई। गोरल तू बड़ी चालाक है। ओ गोरली, वहां से मैं आया था इधर, आपने देखा होगा मेरे पिछले वीडियो में, और फिर मैं गया था उधर बालू के अहाते के पास। तो आगे का शुरू करते हैं वहीं से। ये हिमालयन ब्लैक बियर है, ये उसकी डिटेल लिखी हुई है। ये जो है ये यहाँ पे बालू हैं, ये देख रहे हैं आप, ये कुछ रेसलेस सा लग रहा है। ये ऐसे इधर उधर क्यों कर रहा है? ये पेसिंग डिसऑर्डर से ग्रस्त तो नहीं है? पता नहीं। पेसिंग डिसऑर्डर एक मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं, जिसमें एक इंसान या जानवर कुछ मूवमेंट्स करता रहता है इधर उधर और उन्हें रिपीट करता रहता है खामखा में। अब मुझे ये पता नहीं कि इसे वही हुआ है कि ये हिमालय में रहने वाला जानवर है ठंडे इलाके में तो यहाँ की गर्मी सह नहीं पा रहा है, पता नहीं। अगर आप जानवरों के बारे में जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करके हमें भी एनलाइटन करें। ये बालू जी हैं और ये दूसरे बालू जी हैं। अब मिस्टर बालू कौन है, मिसेस बालू कौन है, या दोनों मिस्टर या मिस हैं वो मुझे नहीं पता। ये यहाँ पे पेड़ पे चढ़ने की कोशिश में है, कुछ कर तो रहा है, चढ़ ही गया। ये देखिए ये लोग आए हुए हैं बच्चों को और फैमिली को दिखाने के लिए। अब और आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ है, पता नहीं जंगल कैट है या क्या है, कुछ तो है। हाँ जी, चैनल मेरा उसका नाम है RAIN A रैना मेरा नाम है। ये है मेरे चैनल का लोगो। मिल गया आपको? जी जी, सब्सक्राइब कर दिया आपने? हाँ, ये देखिए ये इन्होंने सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, आप भी सपोर्ट करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे और वीडियोस देख के। मेरे वीडियोस अगर आप लाइक और औरों के साथ शेयर करें तो और अच्छा। यहाँ पे क्या है? चाइल्ड केयर रूम। यहाँ पे बच्चों के लिए, बच्चों को कुछ केयर करना हो, छोटा बच्चा हो उसके लिए ये इन्होंने रखा हुआ है पार्क सा बना के। और यहाँ पे अंदर उसे कुछ बच्चे का कुछ केयर वेयर करना हो, छोटे बच्चे का, वो नैपकिन वैपकिन बदलनी हो, कुछ धूप से परेशान हो रहा हो, मुझे लगता है वही उसी लिए है ये। तो अभी तो बंद ही है, हम आगे ही बढ़ते हैं। JCB की खुदाई हो रही है यहाँ पे। को प्लेन कर रहे हैं ये और यहाँ पे कॉफ़ी मिलती है। ये कॉफ़ी है यहाँ पे और ये इनके प्रोडक्ट्स जो ये बेच रहे हैं उनका रेट लिस्ट। यहाँ पे NCC से आई हुई हैं ये बच्चियाँ। वहाँ पे वो बच्चियाँ NCC वाली कुछ खरीद रही हैं, एंजॉय कर रही हैं। और यहाँ से जो ये रास्ता नीचे जाता है, नीचे की ओर वो टॉयलेट है वहाँ पे। और यहाँ पे जो ये रास्ता है ये बताया गया है कि अभी तो कुछ नहीं है वहाँ पे, जो कुछ भी है अभी उस साइड
उस साइड जब होगा तब होगा, वहाँ पे जो लाया जाएगा रखा जाएगा। अभी हम इस ओर चलते हैं। यहाँ बीच में ही ऊपर है कुछ पॉइंट सा बैठने के लिए। बच्चे लोग वहाँ पे क्या ऊपर व्यू पॉइंट है, मैं भी जाऊं। जब ये जा पाए हैं तो फिर मैं भी जा पाऊंगा, है ना? ठीक है जी, ठीक है जी, मुझे तो जाने दो। अच्छा अच्छा, चलो जी रास्ता बताओ 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 बताओ। हाँ कांटे तो बहुत हैं। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी। ये मैं पहुंच गया हूँ इस व्यू पॉइंट पे। थोड़ा सा थक गया मैं, लेकिन यहाँ पे ये बच्चे लोग हैं, इन्होंने मुझे हौसला दिया, यहाँ तक पहुँचाया। बोलते थे कि चलो रास्ता बताते हैं। ये मेरे पीछे व्यू पॉइंट है, तो ये यहाँ से व्यू है। वहाँ पे अभी ये बच्चे बता रहे थे वहाँ पे जंगल कैट है कोई, अभी देखता हूँ वहाँ पे जाके। उधर पता नहीं ये क्या बाग बगीचा जैसा बना रखा है उन्होंने। ये यहाँ पे आईआईटी जम्मू का व्यू है, और उस ओर कोई बिल्डिंग बन रही है उनकी। एक पैनोरामिक व्यू मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, इस व्यू पॉइंट से कैसा दिखता है नीचे की ओर। इसकी बैटरी डाउन हो गई है, तो मैं ज़रा इसे चार्जिंग पे लगा देता हूँ। ये लग गया चार्जिंग पे, और पानी भी पी लेता हूँ क्योंकि प्यास भी लगी हुई है। अब चलते हैं आगे उस जगह पे। वहाँ से तो मैं आ गया, अब इधर की ओर चलता हूँ मैं। वहाँ पे और एनिमल्स रखे हुए हैं, वो भी देखते हैं। ये यहाँ पे लेपर्ड कैट रखा हुआ है इन्होंने, ये उनका उसकी डिटेल्स हैं। और वो है वो वहाँ पे दो हैं, ऊपर उनके लिए कुछ बना रखा है और नीचे ये पानी में घुसे हुए हैं, उनको गर्मी लग रही है। ये इनके लिए कुछ ऊपर बैठने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ इन लेपर्ड कैट्स को लग रहा है कि बहुत गर्मी लग रही है, मेरी ओर देख रही है अभी वो। एक उनमें से दांत खोले हुए, मुंह खोले हुए, सांस ऐसे बड़ी तेज़ चल रही है। एक तो पानी में ही बैठी थी, अब बाहर निकली है। और आगे कुछ और है, हिमालयन पाम सीवर्ट ऐसा ही कुछ नाम है, तो वो उधर ऊपर। ये वो कस्तूरी बिलाव है जो बेचारा ऊपर चढ़ा हुआ है। दो थे ये ऊपर से, जब मैंने देखा था तो दो दिख रहे थे, पता नहीं दूसरा कहाँ चला गया। ओ वो है दूसरा, मुझे तो लग रहा है इसकी बहुत हालत ख़राब है। इसकी तो सांस ऐसे चल रही है बड़ी तेज़ी से, ये पता नहीं ज़िंदा भी रह पाएगा मुझे लग रहा है। आप भी देख के बताएं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिए इसके पेट की ओर देखिए कितनी तेज़ी से वो हिल रहा है, ये मुंह खोले हुए लुढ़क ही जा रहा है। मैं कोई एनिमल एक्सपर्ट नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं कि ये ऐसे ही सांस लेते हैं कि ये किसी परेशानी में है। मुझे जो लग रहा है मैं बता रहा हूँ। बाकी इनके बारे में और जानकारी के लिए आप किसी ऑथेंटिक सोर्स से पता करें। इसकी हालत देख के तो मुझे दुखी लग रहा है, बेचैन बहुत है, बड़ा दुख हुआ ये देख के इसका। इस ओर तो अभी बस यही है, और इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। ये मैं वापस पहुँच गया हूँ उसी
कॉफ़ी वाले के पास, और वहाँ से कहीं जाने का रास्ता भी नहीं है। इधर से मैं आया था, अभी वो मैं भी चलता हूँ वापस ही। ये लोग यहाँ से कुछ देख रहे हैं, देखते हैं क्या है। उधर से भी कहीं का रास्ता है। ये क्या है यहाँ पे? पिज्जड़ है। पिज्जड़? हाँ जी, पिज्जड़ है। पिज्जड़? ना तो मुझे पता है पिज्जड़ क्या होता है, ना वो मुझे दिखा वहाँ पे कहीं, तो मैं आ गया इधर को। ये देखिए पूरा जंगली इलाका है, जंगल में बना रखा है इन्होंने, अच्छा किया हुआ है, पेवमेंट भी अच्छी बना रखी है। बस जानवरों का केयर अच्छे से करें तो बहुत ही अच्छा बनने वाला है ये जू। सो ही इंडियन पॉर्क्यूपाइन, ये देख ये लिखा हुआ है इसके बारे में। और यहाँ तो हाँ, वो उधर उधर कोने में, वो कोने में घुसा हुआ घुसे हुए हैं। आगे भी देख लेते हैं। ये यहाँ पे टर्की है, ये है, ये कुछ डांस सा कर रहा, मतलब अपने पंख फैलाए हुए डांस तो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। डांस करता हुआ टर्की भी देख लिया, अब चलते हैं वापस। वापस ये यहाँ पे छुपे हुए बंदे हैं। डाकू वाकू तो नहीं हो ना? ये डाकू नहीं है, ये लोग हैं। हाँ जी, चैनल का नाम रेन ए आर ए आई एन स्पेस ए। फॉलो सब्सक्राइब कर। ठीक है जी। हाँ जी, अभी कर देता हूँ आर ए आई एन स्पेस ए। ये रहा, लो जी ये कर दिया। आप देखना वीडियो। ओके, थैंक यू, वेलकम सर। शुक्रिया शुक्रिया। ये मेरे को मिल गए और यहाँ पे सब्सक्राइबर। और ये रहा वापसी का रास्ता। यहाँ पे भी ये नकली घोंसले लगे हुए हैं। नकली घोंसले। तो मैं चलता हूँ अब नीचे की ओर, आपको मिलता हूँ नीचे पार्किंग में। लीजिए, ये मैं आ गया वापस गेट के पास, पार्किंग एरिया में, ऑलमोस्ट पार्किंग एरिया में ही पहुँच गया हूँ मैं। गाड़ी उधर खड़ी हुई है और मैं जाऊँगा उस ओर। ये यहाँ पे रेस्टोरेंट है, ये यहाँ पे खाने वाने की चीज़ें हैं। और ये कोल्ड ड्रिंक्स है, बैठने की भी जगह अच्छी सी है, आसपास का नज़ारा भी अच्छा है। वहाँ पे बंदर चढ़े हुए हैं पेड़ों पे, गुलाटियाँ मार रहे हैं वहाँ पे पीछे। पानी में भी? पानी कहाँ पे है? अच्छा, इधर वाली साइड पानी है। ठीक है ठीक है, वो भी देख लेता हूँ। इधर से चलते हैं हम, पानी देख। हाँ जी, लेक है छोटी छोटी सी, इसमें तो वो भी हैं, बतख बतख हैं। ये लेक है यहाँ का, और वो मुझे वहाँ पे दिख गया है, बंदर डंडे पे चढ़ा हुआ है। उस बारे में हम जानेंगे मेरे अगले वीडियो में, इस सीरीज जांबो जू के पार्ट 3 में। अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे संपन्न करता हूँ क्योंकि ये बहुत लंबा बन गया है। अगले वीडियो तक झूले, नमस्कार, सत श्री अकाल।